भीम करौली बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ कि वो सभी लोगों पे आशीर्वाद बनाए रखें, सभी की प्रार्थना स्वीकार करें। नमस्कार मित्रों, विधि विधान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज विशेष ये है कि गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व आने वाला है 5 जुलाई को। ये विशेष पर्व जो है इसकी तिथि गुरु पूर्णिमा के लिए 4 जुलाई को प्रातःकाल 11:33 से शुरू होगी वो तिथि, जो कि अगले दिन 5 जुलाई को 10:13 प्रातः पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है 5 जुलाई को मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में यह गुरु पूर्णिमा का पर्व विशेष उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। मान्यता है इसमें कि महाभारत के रचयिता श्री वेद व्यास जी का जन्म भी इसी दिन हुआ, इसलिए वेद व्यास जी के जन्म के कारण व्यास पूर्णिमा के नाम से भी यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन अपने गुरु के प्रति आदर सम्मान श्रद्धा समर्पण इत्यादि भाव जागृत रहना चाहिए, और जिन भी बुजुर्ग लोगों से बड़े लोगों से आपने कुछ भी सीखा है वही आपके गुरु के समान माने जाते हैं, उनके प्रति आप अपना मान सम्मान अर्पित करिए, ऐसा भाव रखें जिससे भी कहीं भी कुछ शिक्षा प्राप्त की हो वह आपके गुरु के समान ही होते हैं। अतः उनके प्रति श्रद्धा भाव रखिएगा, उनको सम्मान दीजिएगा। वेद व्यास जी के विषय में पुराणों के हिसाब से वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का की रचना की, और वेदों का विभाजन भी इन्हीं को प्राप्त होता है श्रेय। अतः व्यास पूर्णिमा के नाम से यह गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु अपने शिष्य को अपने ही समान बनाना चाहता है, उसको ज्ञान मार्ग पर लाना चाहता है, और जो जीवन का लक्ष्य है वह उसको दिलाना चाहता है। पर गुरु कैसा होना चाहिए? यदि शिष्य जो गुरु मंत्र दीक्षा लेना चाहता है तो उसको भी अपने गुरु की परीक्षा कर लेनी चाहिए। कहा है कि पानी पियो छानकर और गुरु करो जानकर, यह युक्ति विशेष लाभकारी होती है, क्योंकि आजकल का जो समय है वह सब आप समझती हैं। अतः समझकर अपनी बुद्धि विवेक से गुरु धारण करना चाहिए, और गुरु मंत्र का विशेष महत्व है, आदिकाल अनादिकाल से चला आ रहा है। गुरु आपका पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, जिससे आपको शिक्षा मिलती है वह आपका गुरु है। जीवन काल में सर्वप्रथम गुरु माता को ही माना जाता है, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में संरक्षण में जीव या जो पैदा होता है वह माता के ही संरक्षण में बढ़ता है और उसको माता से शिक्षा प्राप्त होती है। अतः माता ही प्रथम गुरु मानी गई है। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, विशेष चंद्र ग्रहण और फिर उसके बाद गुरु पूर्णिमा दोनों एक साथ, तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखें, उनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए उनका सम्मान आदर करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना और निवेदन है। हमने जिनको गुरु समझा माना वह नीम करौली वाले बाबा बहुत ही सिद्ध संत भारत के रहे हैं, और उनके समाधिस्थ होने के बाद भी
वह आज हम सब लोगों के बीच में भी उपस्थित रहते हैं। ये यदा कदा वह अपनी उपस्थिति का भान करा देते हैं। तो ऐसे समर्थ गुरु सभी को मिले, ऐसा मेरा भगवान से भी निवेदन है और प्रार्थना है। सभी गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय श्री गुरु महाराज।